अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मिसबा जब्बार। वेलकम टू डीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज हम इस चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे 1.1 से 1.4 तक। इस लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं। बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आस्क्ड इन एक्सरसाइज। लेट अस रिवाइज सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर एज अ नंबर बिटवीन 1 and 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 हैविंग एन एप्रोप्रिएट पावर इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। प्रीफिक्सेस। The words or letters added before a unit and stand for the multiples or submultiples of that unit are known as prefixes. For example, kilo, mega, milli, micro, etc. अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। 5000 ग्राम। 5000 न्यूमेरिकल वैल्यू है और ग्राम हमारे पास यूनिट है। डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी करेंगे 1000 से, और 1000 को हम 10^3 कह सकते हैं। 5000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10^3 डिवाइडेड बाय 10^3। अब एक टर्म को अगर हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं तो इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, 10^3 जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है इसको हम 1000 भी लिख सकते हैं। 1000 को 5000 के साथ डिवाइड करें तो आंसर आता है 5। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10^3 ग्राम। अब 10^3 हमें मालूम है कि ये इक्वल है 1 किलो के, तो हम 10^3 की जगह पे लिख सकते हैं किलो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 केजी या 5 किलोग्राम। तो अब हमने 5000 ग्राम को प्रीफिक्सेस यूज करते हुए हमने लिखा तो वो हमारे पास आया 5 kg। पार्ट 2 है 20,000 watt। अब इसमें 20,000 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और वॉट हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। इसमें भी हमने प्रीफिक्स यूज करते हुए इसको लिखना है, तो उसके लिए यहाँ पे 10^6 से हम इस टर्म को डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो 10^6 इन 6 जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10^6 वाट। 10^6 हमें मालूम है कि मेगा के इक्वल है, तो हम 10^6 की जगह पे मेगा लिख सकते हैं, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 मेगा वाट। तो हमने 20,000 वाट को प्रीफिक्सेस यूज करते हुए लिखा 2 मेगा वाट। पार्ट 3 है हमारे पास 52 मल्टीप्लाइड बाय 10^-10 kg। अब यहाँ पे हमारे पास यूनिट भी मौजूद है, प्रीफिक्स भी मौजूद है, तो इसको हम डिफरेंट स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 52 को भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो फिफ्थ एंड से हम डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो यानी 5 के बाद शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10^1। तो इसको हम सिर्फ 10 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 10^-10 जो क्वेश्चन में हमारे पास है वही आ जाएगा, और किलो हमें मालूम है 10^3 के इक्वल होता है, तो किलो की जगह पे हमने 10^3 लिख दिया। और ग्राम, अब देखें हमारे पास 10 की 3 पावर्स हैं, 1, -10 और 3। तो अब हमारे पास चूंकि बेस सेम है यानी 10, तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो इसको हम यू लिख सकते हैं 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10^1 + 3 - 10। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5.2 × 10^-6 ग्राम, यानी 3 + 1 = 4, और 10 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 10 के साथ माइनस है यानी बड़ी जो हमारे पास यहाँ पे नंबर है उसके साथ माइनस है, तो 6 के साथ भी माइनस आ जाएगा,
तो ये हमारे पास आ गया 5.2 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 6 ग्राम। अब 10 रेस टू पावर माइनस 6 माइक्रो के इक्वल होता है, तो हम 10 रेस टू पावर माइनस 6 की जगह पे माइक्रो पुट कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5.2 माइक्रो ग्राम। लास्ट पार्ट है 228 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 8 सेकेंड। अब इसमें भी 10 की पावर हमारे पास ऑलरेडी एक मौजूद है, लेकिन अब हम 228 को साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हुए लिखेंगे, तो इसको हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो के बाद यानी 2 के बाद, तो ये यूं बन जाएगा हमारे पास 2.28 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू पावर माइनस 8 सेकेंड। अब 10 दोनों बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये यूं आ जाएगा 2.28 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू पावर माइनस 6 यानी 2 माइनस 8 माइनस 6 हमारे पास आ जाएगा। अब 10 रेस टू पावर माइनस 6 हमें मालूम है कि माइक्रो के इक्वल है, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.28 माइक्रो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रो किसके इक्वल है। 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 रेस टू पावर माइनस 6, 1 नैनो इज इक्वल टू 10 रेस टू पावर माइनस 9 एंड 1 पीको इज इक्वल टू 10 रेस टू पावर माइनस 12। अब हम इन तीनों के दरमियान रिलेशन देखेंगे कि हम किस तरह से इनको रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 नैनो हमारे पास है 10 रेस टू पावर माइनस 9 के इक्वल, तो नैनो को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी इन पावर्स को हम इस तरह से स्प्लिट करके लिख सकते हैं 10 रेस टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू पावर माइनस 3। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो 6 और 3 ऐड होके माइनस 9 ही हो जाएंगे, यानी हम 1 नैनो को इस तरह से लिख सकते हैं 10 रेस टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू पावर माइनस 3। तो हम 10 रेस टू पावर माइनस 6 की जगह पे अगर माइक्रो लिख दें तो 1 नैनो हमारे पास होगा 10 रेस टू पावर माइनस 3 टाइम्स 1 माइक्रो। तो इस तरह से हमने नैनो और माइक्रो को रिलेट कर लिया। सिमिलरली 1 पीको जो कि इक्वल है 10 रेस टू पावर माइनस 12 के, इसको हम इस तरह से सप्लिट करके लिख सकते हैं इसकी पावर को 10 रेस टू पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू पावर माइनस 6। अब 10 रेस टू पावर माइनस 6 इक्वल है माइक्रो के, तो एक 10 रेस टू पावर माइनस 6 की जगह पे हम माइक्रो लिख दें तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 रेस टू पावर माइनस 6 माइक्रो। मतलब ये हुआ कि 1 पीको इज इक्वल टू 10 रेस टू पावर माइनस 6 टाइम्स माइक्रो। तो इस तरह से हमने पीको, माइक्रो और नैनो को आपस में रिलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। तो अब हमने नैनोमीटर पर सेकेंड में ग्रोथ रेट फाइंड करना है। सबसे पहले रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ हेयर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे। तो सबसे पहले हम मिली की जगह पे जो इसका मल्टीपल है 10 की पावर की फॉर्म में वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेस टू पावर माइनस 3, यानी 1 मिली इक्वल है 10 रेस टू पावर माइनस 3 के मीटर पर डे। रेट ऑफ ग्रोथ इन नैनोमीटर पर डे, नैनोमीटर में फाइंड करने के लिए हम 10 रेस टू पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो डिवाइड करने से और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेस टू पावर 9। 1 नैनो इक्वल है 10 रेस टू पावर माइनस 9 के, तो जो हमने डिवाइड किया था उसको अगर हम ऊपर ले आए तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 रेस टू पावर 9, और जो मल्टीप्लाई किया था वो नैनो हमने यहाँ पे प्रीफिक्स की फॉर्म में ही मल्टीप्लाई कर दिया नैनोमीटर पर डे। इसको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी 9 माइनस 3 10 की पावर 6 बन जाएगी, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू पावर 6 नैनोमीटर पर डे। रेट ऑफ ग्रोथ इन नैनोमीटर पर आर हमने फाइंड करना है नैनोमीटर पर सेकेंड में, तो सबसे पहले हम डे को आवर्स में चेंज करेंगे। डे को आवर्स में चेंज करने के लिए हम 24 से डिवाइड करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 24 नैनोमीटर पर आर। अब इस पूरी टर्म्स
टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.167 मल्टीप्लाइड बाय 10^4 नैनोमीटर पर आर। अब हम इसी, ये जो आंसर हमारे पास आया है इसको हम नैनोमीटर पर मिनट में फाइंड करेंगे। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मिनट में चेंज करने के लिए हम इस टर्म को, इस आंसर को 60 से डिवाइड कर देंगे। 4.167 इनटू 10^4 डिवाइडेड बाय 60 नैनोमीटर पर मिनट। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.94 मल्टीप्लाइड बाय 10^2 नैनोमीटर पर मिनट। अब हमने इसको नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड में चेंज करने के लिए एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इस आंसर को हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6.94 इंटू 10^2 डिवाइडेड बाय 60 नैनोमीटर पर सेकंड। इस पूरे टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.157 इंटू 10 नैनोमीटर पर सेकंड। अब इस 10 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड। ये है ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड्स। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मिलीमीटर को नैनोमीटर में चेंज किया, उसके बाद हमने डे को आवर में चेंज किया, उसके बाद आवर को मिनट्स में चेंज किया और फिर मिनट्स को सेकंड में चेंज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहला पार्ट है 1168 मल्टीप्लाइड बाय 10^-27। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट को जब आप यहां से यहां पर लेके जाएंगे तो 1.168 मल्टीप्लाइड बाय 10^3, यानी आपने डेसिमल को 3 प्लेसेस पे शिफ्ट किया है, तो 10^3 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10^-27। अब बिल्कुल उसी तरह से बेस सेम है तो आप इसकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1.168 मल्टीप्लाइड बाय 10^3 -27। तो आंसर आ जाएगा 1.168 मल्टीप्लाइड बाय 10^ -24। 27 -3 आंसर आ गया -24। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। इसका बी पार्ट है 32 मल्टीप्लाइड बाय 10^5। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही 32 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो पॉइंट डेसिमल यहां से शिफ्ट होकर 3 के बाद आ जाएगा। 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10^1 मल्टीप्लाइड बाय 10^5। पावर्स ऐड हो जाएंगी 10 की, तो आंसर आ जाएगा 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10^1 प्लस 5। 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 10^6। ये 3.2 ही इसको आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे, 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10^6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है 725 मल्टीप्लाइड बाय 10^-5 केजी। तो 725 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, पॉइंट शिफ्ट होगा 5 के बाद से 7 के बाद आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.25 मल्टीप्लाइड बाय 10^2। आपने 5 से उठा के 7 के बाद आपने शिफ्ट किया, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस आपने इसको शिफ्ट किया, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10^-5 वही आ जाएगा। किलो हमें मालूम है कि इक्वल है 10^3 के, तो किलो का भी आपने मल्टीपल लिख दिया ग्राम्स। अब ये 10 यानी बेस सेम है, तो इस सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा 7.25 मल्टीप्लाइड बाय 10^2 -5 प्लस 3। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 7.25 ग्राम्स, क्योंकि 3 प्लस 2 5 और माइनस 5 0, तो ये पूरी टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी और आंसर सिर्फ आ जाएगा 7.25 ग्राम्स। नेक्स्ट है 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 10^-8। अब हमने ये जो हमारे पास पॉइंट है, डेसिमल है, इसको शिफ्ट करना है टुवर्ड्स राइट, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10^-2। आपने 2 प्लेसेस पे इसको शिफ्ट किया है लेकिन टुवर्ड्स राइट किया है, तो पावर माइनस आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 10^-8। अब फिर पावर्स ऐड हो जाएंगी,
मल्टीप्लाइड बाई 10^-10। तो ये था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। थैंक यू वेरी मच।